कि उनको जेल में किसी को होना ही नहीं चाहिए था। ये लोग जब बैठ गए ना, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक लेसन है, पूरे पाकिस्तान के लिए जिस मकसद के लिए उनको बिठाया गया था, डरा धमका के मुल्क छोड़ के चले जाओ, जब वो बैठ गए हैं वो अपने लिए नहीं बैठे, वो पाकिस्तान के लिए बैठे हुए। उन्होंने जो साइफर केस है, गद्दारी उनके साथ हुई और उन्हीं को जेल में डाल दिया। अब मैं आप कितनी दफ़ा बताना पड़ता है कि वो साइफर केस है क्या। और वो जो डोनाल्ड लू जिसने किया था, अभी मैंने नाम ले लिया ना, डोनाल्ड लू फिर से लू आपके कैमरे सबके बंद करने पड़ेंगे। क्या बात हुई जी, अपने मुल्क के बारे में सोचें, हम लोगों के सरकारी अफसरों की फिक्रें कर रहे हैं, उसके ऊपर केस होगा, उसके साथ जो उसने उसका इसका अंदर हिस्सा है उनको, उनका केस होना चाहिए, बाजवा साहब को आके विटनेस पेश होना चाहिए कि आपने इन लोगों को 6 महीने जो कैद दिया वो किस लिए दिया और ये केस चलाया क्यों है। पाकिस्तान में खान साहब अगर बाहर आते हैं तो अपनी लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ेंगे या सड़कों पे लड़ेंगे? खान साहब अगर बाहर आते हैं, वो लड़ाई तो कभी लड़ी नहीं है उन्होंने, अपना हक लेने के लिए क्या करें। पाकिस्तान के लोगों को खुद अपने लिए हक मांगना चाहिए, अपने राइट्स उनको खुद मांगने चाहिए। आपको मसला मैं बताती हूँ, आईएमएफ का लेटर, इमरान खान ने क्या कहा, हमने भी सुना है, मैं जो वो बता रही हूँ जो हमने सुना है। आप ये सोचें, ये कह रहे हैं जी स्टेट के खिलाफ साजिश हो गई। इमरान खान ने कहा है कि हमने इसलिए अग्री, फिर से सुन लें, उन्होंने कहा हमने इसलिए अग्री किया था कि आईएमएफ की ट्रांच के साथ, उन्होंने कहा कंडीशन ये थी फेयर एंड फ्री इलेक्शन। कहते हैं अगर ये जो हुआ है 8 फरवरी को नहीं, 9 फरवरी को जो उसके बाद तमाशा शुरू हुआ है, उससे होगा क्या। उन्होंने ये कहा है कि ये जो पैसे जब लेंगे इसके साथ आएंगी बड़ी सख्त कंडीशंस आएंगी जिसमें टैक्सेस और लगेंगे। तो एक ऐसी हुकूमत, आपको पता है 16 सीटों की है जिनको आपने चोरों के ऊपर बैठा दिया है, तो वो लोग क्या करेंगे। पूरा पाकिस्तान उनको मान नहीं रहा, लोग उनको मान नहीं रहे, अब लोगों का बिज़नेस कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। जब बिज़नेस कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्या होगा, ये जो टैक्स लगेगा गरीब आदमी के वो पिस जाएगा। इमरान खान को फिक्र है कि लोग पिस जाएंगे, तो इसलिए फेयर एंड फ्री इलेक्शन की अगर कंडीशन नहीं मीट हो रही तो ये इलेक्शन हमें जब तक मैंडेट उनका काम है इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, और जो मैंडेट है सबको पता है क्या मैंडेट है, वो वापस आना चाहिए। थैंक यू।